नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। कोरोना महामारी के समय बिहार सरकार ने 2020 में संविदा लैब टेक्नीशियन को पूरे बिहार के अस्पतालों में तैनात किया था। अब कोरोना काल खत्म हो चुका है। इसके बाद बीते 30 जून को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इन लोगों को नौकरी से हटा दिया। उसके बाद से ये लोग अब सड़कों पर हैं। बीते दिन ये लोग अपनी बातों को लेकर सीएम से मिलने गए थे, लेकिन उनको लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया गया। हम अभी पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पर मौजूद हैं। ये लोग कई दिनों से अब अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। क्या मांगे हैं, चलिए हम इनसे बात करेंगे। हम लोग धरना 1 तारीख से दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मतलब कोई आश्वासन नहीं मिला है हम लोग को। और हम लोग आज 4 सालों से काम कर रहे हैं, कंटिन्यू हमसे काम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग के बारे में कुछ सरकार नहीं सोच रही है। आप ऐसे क्यों सोए हुए? कल लाठी पुलिस वाला लाठी उठी मारा है। किस वजह से लाठीचार्ज? इस वजह हम लोग का नौकरी से हटा दिया गया है। पूरा नौकरी के लिए जो है न जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आप लोग किनसे मिलने जा रहे थे तो लाठीचार्ज किया गया? मुख्यमंत्री जी से। हाँ, तो आपको चोट आई है? चोट लगा। कल तो बहुत मतलब कि बहुत निंदनीय चीज है कि अब क्या कहा जाए। कुछ कहने में भी शर्म आ रहा है कि हम ऐसा राज्य में है कि जहाँ पे हम सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के उस वक्त काम किए जब पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा था। हम लोग वर्ल्ड लेवल पर काम किए हैं, उसके बावजूद हम लोग को यहाँ पे लाठी डंडा से मारा जा रहा है। उसके बाद से बहुत पहले उस टाइम जब कोरोना चल रहा था उस टाइम फूल माला से सब लोग स्वागत कर रहा था। DM SP हम लोगों को बुला के अपने आवास पे VIP जांच करवा रहा था। आज पता नहीं सब लोग कहाँ सोया हुआ है। और हमारे मंत्री लोग भी है कि एक चिट्ठी निकाल देते हैं कि आपको तत्काल काम से स्थगित किया जाता है। हम अपने मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, इन लोगों का कोई सूझे बूझ नहीं है। पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, किस सत्ता के चूर में है पता ही नहीं चल रहा है। एक बार आते हैं फिर एक बार चले जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं अभी एक वार्ड के चुनाव आज तक नहीं जीते हैं और सारे लोग के भविष्य तय कर देते हैं बैठ के, पटना में बैठ के एक ही दिन में एक ही तरीके से आप लोगों का काम से स्थगित कर दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री अगर जो लोगों का वोट से अगर जो मंत्री बने होते तो उनका जनता का दर्द उनको पता चलता है। उनके उनके दर्द नाम को कोई चीज़ें नहीं है, इसलिए आराम से गांव में अपने बैठ के भजन माला कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे वो अपने गांव में भजन कर रहे हैं बैठ के चुपचाप से। यहाँ पे लोग मार खा रहे हैं लाठी डंडा से, इसलिए बहुत निंदनीय चीज़ है। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी हम लोग अभी आत्मदाह करने के हैं, मतलब बात चल रहा है हम लोग का। अगर जी सरकार इस चीज़ को नहीं मानेगी तो हम लोग अभी बहुत बहुत बड़ा भयानक अभी स्थिति अभी आने वाला है। अभी कुछ लोग बहुत लोग अभी गंभीर रूप से घायल है जो इधर उधर अभी हॉस्पिटल में आसपास के यहाँ भी है, PMCH में भी है, जहाँ तहाँ सब लोग अभी काफ़ी लोग अभी चोट लगा दुर्घटना से इसे ग्रस्त हुए हैं। कल का जो घटना है बहुत निंदनीय है। और हम लोग अभी धीरे धीरे अभी फिर से अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, अभी सारे के सारे लोग फिर से बहुत बड़ा लेवल पर होने वाला है। सरकार हम लोग को ये कह कर निकाले कि केंद्र से आप लोगों का कोई फंड नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोगों को हटका दिया गया है। अब हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कोरोना काल में हम लोग RT-PCR जाँच, TRUNET में जाँच, फिर जनरल लैब में जाँच, फिर डेंगू का जाँच, TB डिपार्टमेंट में जांच, फैलेरिया जांच, हर एक जो भी कार्य होता था हम लोग सभी जगह करते थे। कहीं शिविर लगता था हम इन लोग को भेजा जाता था कलेक्शन के लिए। और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी कार्य दायित्व दिया जाता था हम लोग सब निष्ठापूर्वक निर्वहन किए हैं। लेकिन आज सरकार हम लोगों को रोड पर आने के लिए मजबूर कर दी है। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, बिहार में बाहर है जॉब की भरमार है, NDA की सरकार है, लेकिन फिर भी COVID-LT बेरोजगार है। आप लोग अभी कैसे पूरा परिवार चला रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, क्योंकि धरना पे दिए हुए हैं, जॉब भी चली गई है? अभी तो हम लोग खुद बेरोजगार हैं, रोड पे आ गए हैं, तो परिवार को क्या देखेंगे, हम लोग लाचार हो गए हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, अब कोई चारा ही नहीं है परिवार चलाने के लिए। सरकार ने जो भी था जो 12,000 में हम लोग गुजर बसर कर रहे थे वो भी सब खत्म कर दिए हैं सरकार। और जिस तरह दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं उसी तरह हम लोग को भी फेंक दिए हैं आज रोड पे लाके। हम लोग बेकार हैं दब अभी।
अभी कोई और क्या जॉब के लिए अप्लाई आप लोग करेंगे, आगे क्या करेंगे आप लोग? अभी हम लोग के पास मतलब जो अपना है तो है, और जो जिनका एज निकल गया वो क्या करेंगे? हमारे साथी भाई हैं जो हर जिले में हैं, बस हमारी एक ही मांग है, बस हम लोग को 60 साल के लिए किया जाए। हम लोग अपनी सरकार से, नीतीश कुमार से, मंगल पांडे से हम यही विनती करना चाहते हैं कि हम लोगों पर दया दृष्टि दीजिए और हम लोगों का अवधि विस्तार 60 साल के किया जाए। तो देखा आपने, पूरे बिहार से 665 लैब टेक्नीशियन लोग बेरोजगार हो चुके हैं और ये लोग सरकार से अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 तारीख से पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।